the best batsman of the match, and it goes to Mayur. Mayur, congratulations, Mayur. What's up, guys? Hi, good morning, and welcome back to channel. क्या कह रहे हो? बहुत स्पीड में चल रहा है तुम्हारा गाइज। तो आज हम ये व्लॉग, एक छोटा सा 7-8 मिनट का व्लॉग मैंने सोचा कि अपलोड करना चाहिए विद दक्ष पाजी, विद द लाडी। करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे है ना। तो आज हम एक्चुअली कल रात को हमारा रूम कहीं और था, तो हम लोगों के पास ऑप्शन था कि हम चंडीगढ़ जाके रुकें या फिर हम हिस्ट्री जो कि PCA ग्राउंड की है, जो उनके खुद के यहाँ के जो रूम्स हमने देखा, हमने बोला कि चलो यार यहाँ रहते हैं। सारे क्रिकेटर्स की यू नो फोटोज़ वगैरह लगी हुई थी, तो मुझे लगा कि यार यहाँ रहना चाहिए, यहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। रात में इतना लेट हो गया था कि फिर हम लोगों ने कुछ शूट किया नहीं। फिर अभी हम कोशिश करेंगे कि मोहाली स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड फेमस स्टेडियम है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें दिखा सकें। बाकी तो ये दिखा देता हूँ, देखो ये सब लगा हुआ है, देखो ये हेनरी ओलंगा, याद है आपको? ये देखो सब लोगों की, क्या बोलते बाजी? ये देखो वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया 2007 में। कुछ बाहर का है पूरा सेटअप। तो ये अपना रूम है, थोड़ा सा मेसी पड़ा हुआ है। बाजी क्या प्लान है आज? आज अभी हम जाएंगे थोड़ा जिम करेंगे, रात को जो हमने इतनी अच्छी मील खाई है, थोड़ा कार्डियो के जल्दी उसको निकाला जाएगा। फिर उसके बाद हमारा मैच है, उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस की जाएगी, हमारी क्रिकेट की बात होती है, काम की बात होती है, मस्ती की बात होती है, बाकी जय शंभो। ये तो बता दे कि मैंने तेरे को तंग कितना किया। अरे भाई सुबह उठ गया, सुबह उठ गए बाहर घूमने गए और ये सीधे पर्दा खोल दिया 9:30 बजे। बोला यार, फिर मैंने बोला कि 9:30 बजे भाई अर्ली मॉर्निंग हो। अरे बट हम लोग सोते भी तो 4 बजे है ना। ये आप बाहर चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या। चलो सो ये है PCA क्रिकेट ग्राउंड। भाजी कभी आपने ऐसा कुछ एज ए एक्टर, पहली बात तो भाजी आपने कैट में जो काम किया है ना, इनक्रेडिबल भाजी, बहुत मजा आया। मतलब और जितने भी देखे आजकल तो इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है भाई की, कि एयरपोर्ट पे एकदम 25-30 हज़ार लोग इनको पीछे पड़ जाते हैं। ये देखो स्पोर्ट्स के कुछ लेना हो तो भाई, भाजी मैं ये ले सकता हूँ ना यहाँ से? आके लेते हैं चलो, है ना? गेट नंबर 9 पे जाना है ना। ये कहाँ आ गया? अच्छा खुला हुआ। ये देखो मोहाली ग्राउंड पूरा। यार यहाँ पे ना एक्सेस आपको हमेशा उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि यहाँ के प्लेयर्स होते हैं या इस जगह से खेलते हैं। हमको मार कसम पूरा एक्सेस है। देखो मैं यहाँ एक्चुअली इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच देखने के लिए आया था, जब कृणाल भाई ने 2 विकेट लिए थे यहाँ पे, तो मैं चंडीगढ़ इस ग्राउंड पे मैच देखने के लिए ज़रूर आया हूँ। बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग हियर। और मैंने आज से पहले इस ग्राउंड को हमेशा बाहर से खड़े होकर देखा है। आप अंदर नहीं आए? अंदर नहीं आया, कसम से नहीं आया। बंदे देखो पहली बार आया और पहली बार के खेलेंगे। क्या बात है भाई, यही तो बात है ना इसके। ये बस तो भाई साहब ये रही। ओ पंजाब में मेरे कोई जानने वाला नहीं है क्या? पंजाब में अरे वो खेल रहा ना शिखर। तो भाई साहब ये रहा PCA ग्राउंड पूरा का पूरा। ये शिखर धवन खेल रहा है, उनका ट्रायल चल रहा है पूरा का पूरा। तो पंजाब की जो IPL की टीम है ना, उनका हयात इज बुक्ड। या सो पंजाब की जो टीम है वो अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। IPL ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, 1 महीना रह गया है। सो जितनी भी टीम्स हैं सब एक साथ गैदर हो रही है। दे आर भाई ब्लॉक गेट 95। हम बहुत देर से घूम रहे हैं, इतना कार्डियो तो हमारा यहीं हो गया है जितना भी वो जाना पड़ेगा। भाजी हाउ इज द फीलिंग वैसे? बाय द गुड, ग्रेट ग्रेट, लवली फीलिंग, गुड फीलिंग। हयात बुक हो गया हमारा, अब यहाँ से हम हयात जाएंगे। आज के एक्सपीरियंस हो गया, कल हयात देखेंगे। टिल देन बने रहिए हमारे साथ। मोस्टली शायद गोल्फ खेलने भी जा रहे हैं मोस्टली, अगर अपने को टाइम मिला तो। वी आर गोल्फर्स, बाय। क्या
दक्ष पाजी 10 मिनट से घूम रहे हैं अंदर, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि मारना है क्या, क्या मारना है, क्या क्या हो गया। ये भाई बहुत ही पुराना सेटअप है जिम का, तो यूजली हम लोग मतलब एक तरीके से आज से 10-15 साल पहले ये सब चीज़ें हुआ करते थे। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए इनको, कुछ कर लें। ये पूरा पूरा एक सेटअप है, ओल्ड सेटअप, ये भाई ने खुद ही चालू कर दिया है। सिर्फ एक वॉक करके आए, जिम खराब, पूल का भी हमने पूछा कि पूल का क्या सीन है, तो ये बोल रहे हैं कि पूल का भी सीजन नहीं है, मतलब यहाँ ठंड चल रही है इसलिए पूल बंद है। तो इसलिए पाजी यहाँ पे अकेले वर्कआउट, लाड़ी जी अपने वर्कआउट पे लगे हुए हैं। शाबाश शाबाश। ये देखो कौन कौन, ये रणजी ट्रॉफी के कैप्टन हरभजन सिंह भी है। वाओ, ये पूरा अपना क्या बोलते हैं इसको भाजी, ड्रेसिंग रूम। ये है ड्रेसिंग रूम पूरा। मैंने एक्चुअली एक मैच देखा था यहाँ कहीं बैठ के, यहाँ जब कृणाल भाई खेल रहे थे यहाँ पे, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखो पूरा दूसरी टीम का पूरा। Wow, this is beautiful यार, बहुत प्यारा। आज हम इस पे खेलने वाले हैं। वाओ वाओ वाओ, फैन कॉलिंग चालू है भाई की। मैं बोल रहा बहुत मजा आने वाला है पाजी, आज खेलेंगे और पाजी आज खेलने का बहुत मजा आने वाला है भाई। एक तो पता है सबसे बेस्ट चीज क्या है ग्राउंड की, पता है एक अजीब सी सन्नाट है इसमें, बड़ा मतलब कुछ सब शब्द अब आ नहीं रहा, कुछ बोलने के लिए कुछ आ नहीं रहा। बहुत अच्छे ऐसे शूट कर दो ये, ऐसे ही भाई साहब कोशिश करते हैं कि कुछ बोलें, कुछ कंटेंट मिल जाए, लेकिन कई बार नहीं बोल पाते हैं। ये देखो ऐसे होती है शूट, ऐसे होती है भाई। ये देखो ना यहाँ पे कौन, सचिन वचिन बैठे होंगे यार, सचिन भाई वही तो सचिन के बाद भाई। अब तू बैठ, अब मैं बैठा, अब लोग बोलेंगे यार मयूर भी बैठा था, अब मैं बैठता हूँ भाई, ऐसे कैसे, मेरी बात भी तो होगी। हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अब कौन बोलेंगे, लाडी बैठा, लाडी बड़ा अच्छा है यहाँ पे, अपन चेंज वेंज करेंगे पूरा, है ना, माहौल बहुत बढ़िया है भाई, बहुत मजा आएगा आज के जितना भी हो सके। अभी मैं तो इसलिए अभी शूट कर रहा हूँ कि पता नहीं बाद में कर पाया नहीं कर पाया। अभी थोड़ा खाना भी खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेट्स गो। हाय, ओह हाय भाई, हाय भाई, व्हाट्स अप। देखो ऐसा है कि हम रात सो नहीं पाए भाई। नमस्कार भाई साहब, दोस्तों आया बेस्ट पार्टी हो रही है, पार्टी क्या पार्टी हो रही है, पार्टी क्या पार्टी हो रही है, कैसा लग रहा है भाई, ड्रीम कम ट्रू, यस। इसमें कोई डाउट, 2-3 मिनट तो एहसास नहीं हो पा रहा था कि वो क्या रहा है। ऐसा मुझे रायपुर में हुआ था, इस ग्राउंड से थोड़ा सा वो है ना पर्सनल, हां पंजाब करेक्ट। पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट चीज़ ये है कि इस टूर्नामेंट से ना मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मेरे फेवरेट ग्राउंड्स में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। सो ये पूरा का पूरा देखो, यहाँ से दिखाता हूँ, ये सब पुराने फर्स्ट इंडियन टीम इन ऑस्ट्रेलिया 1947। देखो हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, और इन सब के बीच में एक और सरप्राइज है, सौरभ गांगुली, नवजोत सिंह सिद्धू, महेंद्र सिंह धोनी, जहीर खान। अब इन सब के बीच में आपके लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज वो है सरप्राइज,
वो है सरप्राइज, ये है भाई अवार्ड ऑफ ऑनर, ये सब भी चीफ गेस्ट, मैं हूँ लगता चीफ गेस्ट। भाई व्हाट्सअप, वेल प्लेट, बहुत अच्छे रन बनाया आपने, बहुत बहुत मुबारक हो, 50 किए भाई गाइस आज इन्होंने, बहुत अच्छा, सारी रिकॉर्डिंग मैं नीचे डाल दूंगा। प्लस इन्होंने भी आज कितने बनाए आपने, साहिल और इनकी और मेरी पार्टनरशिप थी गाइस, सॉरी बीच में टेलीकास्ट खराब हो चुका था, तो हम सेकंड मैच में तुम लोगों को टेलीकास्ट नहीं दिखा पाएंगे, फर्स्ट मैच में हमको मौका नहीं मिला, सेकंड मैच में भाई ने भाई ने स्कोर किया 50 किए भाई, और सबसे ज्यादा बॉल में 12 रन 30 बॉल में 12 रन, 2 ओवर 3 विकेट, 2 ओवर 1 विकेट, 13 बॉल में 18 रन, इतने तो टोटल भी नहीं थे। जयपुर में आपका स्वागत है। थैंक यू। हाँ, आती तो ऐसे क्यों शर्मा रही हो तुम? अरे बस ऐसे ही शर्माती हूँ भाई। एक्साइटेड में अड्डा के मैं स्टेडियम बुक कराता हूँ भाई। एक्साइटेड बड़े भाई है ना, इनका ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है। दिस इज ब्यूटीफुल, वाह बड़ा फील यार, मैं रो दूंगा पता है। This is too good. सर थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे हैं मेरी, थोड़ा मैच से पहले। अब हाय, टॉस चालू है भाई, लेकिन उस लीड के तहत 126 रन का टारगेट उन्होंने दिया है पंजाब देशेर को। सोनू सूद और उनके साथ होंगे मयूर मेहता, पंजाब देशेर के मयूर मेहता। जब रायपुर में उतरे थे सेकेंड इनिंग्स में तो गेम लगभग ख़त्म ही थी, उनके पक्ष में जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सोनू सूद ऑफ कोर्स उतरेंगे, सफलता पा ली थी, सेकेंड इनिंग्स में क्या वो कारनामा कर पाएंगे। पहली गेंद मयूर के लिए, उन्होंने थोड़ी सी भी अगर लेग साइड में रखी तो वो ऐसे दिशा दिखाते रहेंगे। पार्ले हैप्पी हैप्पी चौके के साथ शुरुआत, दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, कैसे कैचेस चिपक जाते हैं, पकड़े नहीं जाते, छिटक गया मौका, एक बार और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन इस बार, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री, फाइन लेग और बैक के लिए भी 2 अंक चाहिए, खाली मुंबई नहीं ढूंढ रही है वो 2 अंक, वो भी अच्छे स्टाइल से मार्जिन के साथ, नेट रन रेट को भी ध्यान में रखना है। और ऊंचा उठता, ये भागने की जरूरत नहीं है, क्या 4 है अच्छे है, ये भी 4 रन आ गए, गेंदबाज की जान हलक में थी, माधव रन्स किए थे बल्ले से लेकिन यहाँ रन्स लीक हो रहे हैं, वो ठिकाने पर गेंद नहीं गिर रही है, गति उतना नहीं दे रहे हैं, पिछली इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में 3 विकेट चटकाई थी इन्होंने और कप्तान का भरोसा जीता था, इस बार भी उसी भरोसे के साथ सीधे बल्ले से इसको लॉन्ग ऑन के ऊपर स्लॉट किया, 1 बाउंस, पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री के लिए, पंच की जरूरत होती है दर्शकों के लिए, एक बार फिर से हैप्पी स्पिड ऑफ के ऊपर से इस बार, और ये तो दर्शक दीर्घा में जाकर गिरेगी बिल्कुल डगआउट में, क्या शॉट था, कप्तान देखिए चलकर आके शबासी देते हुए, गेंदें उन्होंने लिए 18 तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ सिक्सेस और फोर्स में अब बातचीत हो रही है। स्लोअर गेंद थी लेकिन परख लिया था इन्होंने, ये भी होगी 6, पार्ले हैप्पी हैप्पी सिक्सर, हर एक गेंद अब तक की या तो सीमा रेखा के पार है या फिर सीमा रेखा के अंदर। ज्यादा गेंदें खेलनी होंगी खासकर पहले के 3 ओवर में, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे पावर प्ले का, तो क्या ये यहां पर सिंगल लेने के लिए थोड़े से इच्छुक होंगे या फिर बड़े शॉट लगा देंगे ये चौका, जड़ देंगे ये चौका, गैप में इतनी अच्छे से गेंद गई थी पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री के लिए कि कोई हिला तक नहीं, 2 ओवर बाद 30 पर 1 रहेंगे,
आगे डाल बैठे थे गेंद शरद, जिसकी वजह से अच्छा बाउंड्री देखने को मिला। मिड ऑफ के ऊपर से इस बार ऑफ साइड के बाहर से पिक किया, मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। थ्रो लगा क्या, अप सेट बैट्समैन का विकेट लेकर चले जाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर अपेश, ये बाहरी किनारा थर्ड मैन के ऊपर से रितेश देशमुख के ऊपर से गेंद निकल गई। कप्तान ने भरपूर कोशिश की थी इसको लपकने की, निकल गई तो फिर चार रन के लिए जाएंगे। बैट से नहीं तो फिर वाइड जरूर आएगा। फिर से पैट्स पर ये गेंद, ये तेज गेंद था, क्विकर बॉल था। अंतिम गेंद इस ओवर का, कोई स्लिप है नहीं। परेशान किया है, गैप में गेंद जा रही है, बराए मेहरबानी ये रोक ले बाउंड्री के अंदर, तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। यही होनी चाहिए वहां पे सूत्र। हल्के से शॉट थे लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ है नहीं, अभी भी नाबाद है शॉट। और क्यों मैंने ऐसा कहा, ये उसका जवाब है, क्योंकि जब तक ये खड़े रहेंगे तब तक मुंबई अपने आप को हमेशा डेंजर में पाएगी। शॉट ऑफ लेन गेंद टेक कर लिया था। आखिरी गेंद और इन्होंने इसको भी पहुंचा दिया है सीमा रेखा तक। क्या शानदार गैप निकाली है इन्होंने, वाले हैप्पी हैप्पी चौके के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को 70-2 पांच ओवरों के बाद। शॉट उन्होंने लगाए हैं, फिर से आगे निकले, इस बार गेंद हवा में है, काफी ऊपर है, विकेट कीपर नीचे है, आसानी से कैच पकड़ा जाएगा और ये महत्वपूर्ण विकेट लिया। टू गिव अवे द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द मैच एंड इट गोज टू मयूर। मयूर Congratulations, Mayur. And Julia, would you please...